दोस्तों आपण समस्त आम चैनल स्नेडियो स्वागत तेबे जणे कर्मचारी 20 रु 30 वर्ष सरकार बाहर काम कला परे जनता पे काम कला परे से पेंशन पाइबो नाही। 2004 परठु जो माने एंगेजमेंट पाइछंती कोनोसी भी सेक्टर रे ओडिसा एम्प्लॉय कोंतु आपणक सेंट्रल एम्प्लॉय कोंतु समस्तंगर ए पेंशन दवा पे सरकार अमंग कहीं पेंशन ने अधिक बजेट खर्च होती जहाँ कि बीजेपी सांसद निजे पार्लियामेंट कहते मुझे तो विजुआल देखे कितु आज आप गोटे कथा कह एमएलए मैंने पेंशन पाए कहीं कितु आप आश्चर्य हे एमएलए मैंने जो पेंशन पाते अमाउंटर आर जो बहकरण करके आश्चर्य हे माने सपोज जणे विधायक आपणकर आम ओडिशा रे पेंशन होची 30,000 टंका ठीक अच्छे आम ओडिशा रे पेंशन हो 30,000 टंका डिफरेंट डिफरेंट पेंशन अच्छी कहीं ना आपण देखुछन एटी जे जेती आपणकर सालरी लास्ट सालरी थिबो से सालरी रो 50% पेमेंट पाइबे तेणु सपोज जणे एमएलए पांच थर एमएलए हेले पांच थर एमएलए परे से आउ एमएलए स्टैंड करले पण एमएलए होचुने पेंशन पाइबे पाई चलिबे माने फास्ट टर्म तांगर सरीगला ओके तो पांच वर्ष सरीगला तापर पेंशन आरंभ होगा फास्ट टर्म रो तो सेकेंड टर्म सरला सेकेंड टर्म पेंशन आरंभ होगा मैंने प्रति टर्म पेंशन सेन पाइबे पांच टर्म विधायक हेले पांच थर लेखा पेंशन पाइबे माने 30,000 इंटु 5 1.5 लाख टंका तार मासिक पेंशन यही भाव भाव में आपणकर पेंशन लुटी चलती एमएलए एमपी मैंने जोटि की एम्प्लॉय मैंने मैंने काम करती जनता से पेंशन ना यह मुझे यह एबीपी गोटे रही पब्लीश होती रिसर्च रिपोर्ट से कहि मुझे देखेबी देखिए कि पूर्व चल देखने जे ये पेंशन को लुटिकी देशर आर्थिक व्यवस्था को मैंने पूरा खोकला करूवा से एमपी मर जो भल्लोकीपण जो भल्लोकी देखा देखने राज्यसभा तापर आम जा देखा कौन रही रिपोर्ट किभली भाव में ये एमएलए एमपी मैंने पेंशन नौकरी देश लुटुं एम्प्लॉय मान भुआ बुलाऊँ तुमने पेंशन ना जनता मानक भुआ बुलाऊँ तुम पेंशन ना ओडिशा रो बा देशर आर्थिक व्यवस्था मानने भुशुड़ पड़ दुर्बल हो किंतु आम मानले किसी हम ना तेणु आपण दायित्व उत्तरदायित्व रही दिनों से देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की गई है। मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा और यही चिदंबरम साहब बैठे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम के स्थान पर न्यू पेंशन स्कीम इस देश में जो प्रारंभ हुई थी उसको सारे राज्यों को एक फोरम पर लाने का काम किया था और अब कई राज्य सरकारें कह रही कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम में जाएंगे। सत्यम महोदय इस समय 5,76,000 करोड़ 5,76,000 करोड़ पर ईयर हमको केवल पेंशन के रूप में स्टेट और सेंटर को और भुगतान करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश का जो उसका ओन टैक्स रेवेन्यू है उसका केवल पेंशन में कितना जाता है 80%, यानी उसका जो अपना राजस्व उसका 80% वो केवल पेंशन पर उसका व्यय हो रहा है। बिहार का 60%, पंजाब का 34%, और अगर सैलरी और इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए तो राज्यों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि आज का बोझ भविष्य की पीढ़ी पर डालना ये बहुत बड़ा अपराध होगा। इट इज सिनफुल अनप्रिंसिपल्ड अनएथिकल टू क्रिएट लाइबिलिटीज टू गवर्नमेंट इन फ्यूचर आने वाली पीढ़ी के लिए बोझ छोड़कर जाए ये कदापि उचित नहीं होगा। आज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि 2034 में जो सरकार आएगी सती महोदय उसकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी और भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य होंगे जिनकी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। इसलिए मैं सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के भूत को मत जगाइए, एक बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़े संकट में हम पूरे देश को डाल देंगे। सती महोदय आप सुन रहे हैं इन आक्रोशित युवाओं को और इनके दर्द को भी इनकी परेशानी को समझना होगा। ये जो आखिर में दो बातें थी बड़ी महत्वपूर्ण थी कि एमपी एमएलए अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म करते या इनको इतनी पेंशन क्यों मिल रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां हर टर्म में विधायक को अलग अलग पेंशन मिलती है, यानी अगर मान लीजिए वो दो बार का विधायक हुआ तो दो बार पेंशन मिलेगी अलग अलग, तीन बार का हुआ तो तीन पेंशन मिलेगी अलग अलग। अगर कोई विधायक सांसद बनता है तो उसे सांसद और विधायक दोनों की पेंशन मिलती है, या कोई विधायक से सांसद बना और सांसद से गवर्नर बना तो उसे विधायक की सांसद की गवर्नर की तीन पेंशन मिलती है। और हमने बहुत रिसर्च की
बहुत रिसर्च के बाद ये तैयार रिपोर्ट आपके लिए की है। ये वो डेटा है जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक राज्य का हाल मैं आपको बताती हूँ। इसी साल मार्च में पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फैसला लिया कि एक विधायक को एक ही कार्यकाल की पेंशन मिलेगी, जिससे 5 साल में पंजाब सरकार के 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब इससे पहले क्या होता था पंजाब में, ये भी समझिए और बहुत दिलचस्प है। पंजाब में नेता जितनी बार विधायक बनता उतनी बार उसे पेंशन मिलती। जैसे पहली बार विधायक बनने पर विधायक को 75,150 रुपए की मासिक पेंशन मिलती। इसके बाद वो जितनी बार भी विधायक बनेगा उसकी पेंशन 50,100 रुपए यानी 51,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। नहीं नहीं, 50,100 रुपए ही जुड़ेंगे। राजेंद्र कौल भट्टल, सरवन सिंह फिल्लौर, लाल सिंह जैसे नेता 6-6 बार के विधायक बने हैं, उनकी पेंशन पता है आपको 3.25 लाख रुपए महीने हुआ करती थी। अब जरा ये भी देख लीजिए कि हरियाणा में क्या होता था। यहां भी पूर्व विधायकों की खूब मौज है। पूर्व विधायकों की 1 जनवरी 2016 के बाद एक बार का कार्यकाल पूरा करने वाले विधायक को 50,000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलती है। इन 5 सालों के बाद वो जितने भी साल तक आगे विधायक रहेगा उसकी पेंशन में 2,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। हरियाणा अपने विधायकों की पेंशन पर सालाना 30 करोड़ रुपए खर्च करता है। अब जरा बिहार का हाल जान लीजिए। यहाँ विधायकों और एमएलसी को कितनी पेंशन मिलती है उस पर नजर डालिए। बिहार में विधायक और एमएलसी को 35,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलती है। इसके अलावा हर बार चुने जाने पर हर साल पेंशन में 3,000 रुपए बढ़ जाते हैं। बिहार में 9 बार के विधायक रमई राम की मासिक पेंशन 1,46,000 रुपए है। देश के ज्यादातर राज्यों में विधायक की पेंशन का यही आलम है। विधायक अगर सजायाफ्ता हो, जेल जा चुका हो या उस पर कोई भी कितना भी बड़ा आरोप क्यों ना हो, उसकी पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूर्व सांसदों की पेंशन भी आप जान लीजिए। वैसे सांसदों की पेंशन विधायकों से कम है, यह हैरान करने वाली बात है। पूर्व सांसदों को मिनिमम 25,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है। 5 साल के अतिरिक्त जितने भी समय के लिए वो सांसद बनेंगे मासिक पेंशन में 2,000 रुपए हर साल बढ़ते जाएंगे। कोई दूसरी पेंशन मिल रही है तो भी सांसद की पेंशन उन्हें मिलती रहेगी। 2018-19 में पूर्व सांसदों को 70.5 करोड़ रुपए की पेंशन मिलती थी। एक और दिलचस्प बात, अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक बन गया तो उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। इसीलिए तो ये युवा पूछ रहे हैं कि सरकार इन नेताओं की पेंशन क्यों नहीं रद्द कर देती। आपको यहां का बजट तो दिख रहा है, नेतागण का बजट।